Now, hello student, this is video number 5, ongoing chapter Rebel and the Raj, class 12, history. You know, previous topic we have discussed Awadh. Now, the last topic remaining this last video is the close links between the peasant and the spoils. Okay? So, the grievances of the peasant were also the discussed within the spoils lines of the most of the soldiers who were recruited from the peasantry Awadh. We call the nursery of the Bengal army. That is the important line beta. अवध के बारे में हमने दो स्टेटमेंट पहले पढ़े थे. एक स्टेटमेंट पहले पढ़ा था जो डलहौजी ने कहा था. डेट इज़ द ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी. अवध क्या है, नर्सरी में क्या होता बेटा, जैसे हम नर्सरी क्लासरूम में सिखाया जाता है ना, बच्चे को कैसे पढ़ना है, क्या सिखाना है. बंगाल आर्मी जो है, बंगाल में जो सेना बन रही है, उसकी नर्सरी कौन है, अवध. डैट मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि अवध से सोल्जर्स को ट्रेन किया जा रहा है फॉर रिबेल के लिए. ठीक है, द स्पॉयस ऑल्सो कंप्लेन अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ गेटिंग हैवी मिसबिहेवियर एंड द रेशियल अब्यूज. अब देखिए, इनके साथ वहाँ पे एक तरह से मिसबिहेवियर किया जा रहा था. जो ब्रिटिशर सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स के साथ मिसबिहेवियर कर रहे थे, रेशियल अब्यूज़ कह रहे थे, उनकी कास्ट को, कलर्स को, स्किन को लेकर उनको अब्यूज़ किया जा रहा था. एंड देयर वाइट ऑफिसर्स जो अंग्रेज सिपाही थे. So these there the discontent spelled over into the ranks of peasantry and क्योंकि जो rank था वो भी इनका low था. and when the spoil took up arms they were joined the peasant. और जब soldiers ने बेटा अपने हथियार उठाए तो किसानों ने भी, peasant ने भी उनका साथ दिया. and what is the rebels wanted, the vision of unity. अब देखिए, जो rebels के जो विद्रोही थे, ये लोग क्या चाह रहे थे. सो द प्रोक्लेमिनेशंस एंड इश्तिहार. ठीक है, इश्तिहार होता है नोटिफिकेशन. हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, एक पॉइंट पैराग्राफ में होता है, हम वॉल्स पे लगाते हैं इश्तिहार. सो डैट इज़ द इश्तिहार. इन द इंग्लिश टर्म इज नोटिफिकेशंस वर द इश्यूड बाय द रिबेल्स लीडर्स. फॉर एग्जाम्पल, द आजमगढ़ इन द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ 25 August 1957. So the rebels tried to get the support to the all the sections of the society in respective of their caste and the creed. ठीक है, तो rebels थे बेटा, जो भी लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो किसको सपोर्टर्स कर रहे थे, वो ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. वो ये नहीं देख रही थी कि किस कास्ट का है, इसका क्या रैंक है, ये कौन से यू नो कम्युनिटी से बिलोंग करता. वो सबको साथ लेकर चल रहे थे. द रिबेलियन वॉज द व्यू इज द वॉर इज द विच बोथ हिंदू एंड मुस्लिम स्टूड. रिबेलियस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो वॉर हो रहा है, जो इंडिपेंडेंस वॉर हो रहा है, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का यूनिटी होना चाहिए. दोनों साथ होकर लड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. बोथ द कम्युनिटी स्टूड द इक्वली एंड टू द लॉस और द गेन. अगर हम जीतेंगे, हमें नुकसान होगा या हमें लॉस होगा, उसमें हम दोनों साथ रहेंगे. द इश्तिहार ब्रॉट टू द फॉरफ्रंट मेमोरीज टू द प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट. The proclamation issued under the name of the Bahadur Shah appealed to the peoples to the join the fight under the standards of the both the Muhammad and the Mahavir. देखिए, मोहम्मद, यू नो हज़रत मोहम्मद जो फाउंडर ऑफ द इस्लाम है, यानी रिलीजियस, इनका ये मुस्लिम रिलीजियस में सबसे बड़े हैं. महावीर, महावीर स्वामी, तो ये हिंदू कल्चर से रिलेटेड है. तो यहाँ पे ये बात करें, बहादुर शाह जफर अपील करें लोगों से कि आप हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को साथ दिखाएँ, आपस में ना लड़के हम यूनिटी से ब्रिटिशर्स का फेस करेंगे. द रिलीजियस डिफरेंसेस वर नॉट विजिबल बिटवीन द टू कम्युनिटीज इन 1857 डिस्पाइट. और उस समय तक बेटा 1857 तक जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो इतने ज़्यादा शोन नहीं हो रहे थे. सो द ब्रिटिश अटेम्प्ट टू द क्रिएट द वेज बिटवीन देम बट द रिबेल्स ट्राई टू द मेटलाइज देयर विजन्स ऑफ यूनिटी. द प्रोक्लेमिनेशंस कम्प्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल. फिरंगी राज, ये एक न्यू वर्ड है, याद रखना बेटा. ब्रिटिश राज को फिरंगी राज भी कहते हैं. फिरंगी कहते हैं ब्रिटिशर्स को. सो जो उनका प्रोक्लेमेशन था, जो उनकी दावे थे, रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल, उन्होंने उनको इनकार किया. द कंडेनमेंट ऑफ द ब्रिटिश फॉर द एक्सनेक्शंस दे हैड क्रीड आउट ऑफ द ट्रेटीज विद द एट ब्रोकन्स. रिबेल डिक्लेयर द ब्रिटिश कुड नॉट बी ट्रस्टेड. जो रिबेल्स थे, जो क्रांतिकारी लोग थे उस समय के बेटा, उन्होंने कहा कि ब्रिटिश पे, ब्रिटेन वाले जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट है, उन पे हम विश्वास नहीं करेंगे, हम उन पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं. द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑन द सिस्टम हैड दिस पोस्ट लैंड लॉर्ड्स बिकॉज यू नो अब उन्होंने अपनी पॉलिसीज लगा दी थी, वो ऑक्शंस कर देते थे. तो जो सेटलमेंट था, रेवेन्यू सेटलमेंट और जो सिस्टम था, उसको भी लैंड ऑर्डर्स ने डिस
पोस्ट किया। फॉरेन कॉमर्स हैड द रून टू द वीवर्स एंड द आर्टिस्ट। अब विदेशी जो व्यापार हो रहा था उसने बेटा हमारे यहाँ के बुनकर्स और जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश रूल वॉज अटैक्ड एंड अक्यूज द डिस्ट्रॉइंग द वे ऑफ द लाइफ एंड वॉज द फेमिलियर एंड द चैरिस। द रिवेल वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉ रिस्टोर द प्रीवियस लाइफ एंड द रिवेल वॉन्टेड दियर लिवलीहुड टू बी द सिक्योर। नाउ वॉट इज द व्यू ऑफ द डिफरेंट सोशल ग्रुप एट द टाइम, यू नो सो मैनी डिफरेंट ग्रुप। सो उनका क्या नजरिया था बेटा इस विजन को देखने का। सो इन द मैनी प्लेसेज द रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश winded into attack to the all those who were seen as allies to the British or the local opposers. The rebels deliberately sought to the humiliate the allies in the city, in the village. They burned account books and the Ranskes moneylender's house. This was in attempt to the overturn the traditional hierarchies, rebel against all the opposers. विच पीजेंट इन द क्लेमेज होता बेटा एक झलक दिखाना, उनकी एक छवि दिखाना टू अल्टरनेटिव विजन ऑफ द एलिग्रेशन सोसाइटीज एंड सच एज विजन वर नोट एग्रीकल्चर आर्टिकल केलेटेड इन द प्रोक्लेमिनेशंस विच सॉट टू यूनिफाई ऑल द सोशल ग्रुप्स इन द फाइट ऑफ अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। सो द जो सोशल ग्रुप थे, यू नो पीजेंट्री की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें आप, एंड सोल्जर्स की बात करें, एंड स्पेशली इन द विलेजेस, तो उनका एक अलग थिंकिंग था। बिकॉज यू नो ये जो कलेक्टिवली एफर्ट होता तो विल वे बी द बेटर रिजल्ट फ्रॉम देयर द रीजंस। सो हमें वो पूरा देखने को नहीं मिलता बेटा, ठीक है। एंड सर्च ऑफ नेक्स्ट पॉइंट इज द सर्च ऑफ द अल्टरनेटिव पावर्स। अब देखिए यू नो कुछ एरियाज में तो इसने जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में बहुत अच्छा किया, बट अब कुछ अल्टरनेटिव पावर्स के जो सोर्स देखने एक थे इन द रीजन्स वेयर द ब्रिटिश रूल क्रॉप, जहाँ पे ब्रिटिश राज पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था इन रिबेल्स ने। द रिबेल सेटअप द पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे उन्होंने सेटअप किया लाइक दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर, बट दे प्रूव टू बी द फेलियर। बट उसको कंटिन्यू करने में बेटा, क्योंकि वापस ब्रिटिशर ने अपनी पावर को गेन किया और उन एरियाज को वापस ले लिया। सो द रिबेल लीडरशिप वांटेड टू रीस्टोर द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड्स टू ऑफ द 18th सेंचुरी। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश बाय द रिबेल, और इसी के लिए बेटा रिबेल्स जो रिबेलियंस थे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने का ट्राई किया एंड एम टू द मीटिंग द डिमांड्स ऑफ वॉर, और फिर उन्होंने वॉर का डिमांड किया। सो द लीडर वॉन्टेड बैक टू द कल्चर ऑफ द कोर्ट। अपॉइंटमेंट वर मेड इन द वेरियस पोस्टिस, और उनको अलग अलग जगह पे उन्होंने पोस्टिस मिली। एग्रीमेंट वर मेड टू द कॉलेशंस टू द लैंड रेवेन्यू एंड द पेमेंट ऑफ द ट्रूप्स। साइड बाई साइड द प्लान्स वर मेड टू द फाइट बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जगह जगह देखेंगे आप तो उनके लिए प्लान्स बन रहे थे, योजनाएं बन रही थी, अपॉइंटमेंट हो रहे थे। और इस टाइप से आप देखेंगे कि जो 1857 का रिवॉल्ट था उसमें कुछ नए सोर्सेज देखे, कुछ अल्टरनेटिव पावर्स भी देखी गई कि अगर आप यहाँ पे फेल हो रहे हैं तो हम कैसे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।